दोस्तों हमेशा की तरह बहुत अच्छी जानकारी दूंगा जिससे आप आने वाले समय में परेशानी से बच सकते हैं। देखिए ये एक स्प्लिट एसी है और इस स्प्लिट एसी की वायरिंग और पाइपिंग अंडरग्राउंड गई हुई है। अधिकतर टेक्नीशियन क्या करते हैं, जब एसी की वायरिंग में कहीं पे बीच में जॉइंट आ जाता है तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर की वायर होती है अर्थिंग की। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर की वायर है, ये इस तरीके की अर्थिंग की तरह यूज़ की जाती है। इस वायर को बीच में अगर कहीं जॉइंट होता है तो काट दिया जाता है, तो आप कभी भी इस वायर को कटने मत देना, आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। ये देखिए ये दो वायर जो है ये न्यूट्रल है और ये लाइन है, ये आपस में शॉर्ट हो गई थी जिसके कारण एसी नहीं चल रहा था, बार बार एमसीबी ट्रिप कर रही थी। हमने इसको हटा के और इसकी जो अर्थिंग वाली वायर है उसको हमने न्यूट्रल बना लिया और हमारा एसी फिर से चल पड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते थे, अगर बीच में कहीं पे कट लग जाता और इसको हटा दिया जाता। तो आप भी ऐसा मत होने देना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जानकारी के लिए।